नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी में आयोजित विशाल निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में मरीजों को मिला लाभ। शिविर में ऑपरेशन योग्य पाए गए बच्चों को जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भेजकर निःशुल्क ऑपरेशन की व्यवस्था की गई है। जीडी मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डान कॉलोनी बरगवा में रविवार को आयोजित विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में प्रदेश और देश के ख्याति प्राप्त चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में डॉक्टर हरिशंकर चंदेल हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी जबलपुर, डॉक्टर श्याम जी रावत कैंसर रोग विशेषज्ञ एमबीबीएस एमडी मेडिकल कॉलेज जबलपुर, आगा विकेश अग्रवाल एमएसएमसीएच पीडियाट्रिक सर्जन प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज जबलपुर, डॉक्टर अखिलेश श्रुति न्यूरो फिजिशियन जबलपुर, डॉक्टर निखिलेश तिवारी डीएनबी न्यूरोसर्जन बेंगलोर, डॉक्टर एस के शर्मा एमडी, डॉक्टर पायल केसवानी एचनल पीडियाट्रिक न्यूरो फिजिशियन जबलपुर, डॉक्टर अशोक चौधरी एमबीबीएस डीसीएच वरिष्ठ शिशु एवं जनरल रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अनमोल चौधरी एमबीबीएस एमडी पीजीपीएन फेलोशिप इकोकार्डियोलॉजी, डॉक्टर रोहित हरचंदानी एमबीबीएस एमएस जनरल सर्जरी की सेवाएं शिविर में मरीज को प्राप्त हुई। शिविर में ऑपरेशन योग्य पाए गए बच्चों को जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भेजकर निःशुल्क ऑपरेशन की व्यवस्था भी की गई है। एनएसवी मेडिकल कॉलेज जबलपुर, यहाँ पर आज मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और मुझे ये प्रतीत हुआ कई मरीज जो हमारे पास नहीं पहुँच पाते और कटनी क्षेत्र में ये इन सुविधाओं का अभाव है। कैंसर में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा, इन सब की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ उपलब्ध नहीं होती, इसलिए मरीजों को हमारे यहाँ जबलपुर में आना पड़ता है। लेकिन कई मरीज हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो ऐसे कई मरीजों को मैंने देखा, उनको मैंने परामर्श दिया। कईयों को पता भी नहीं था कि जबलपुर में ये सुविधाएं हैं। चूंकि ये कैंप निःशुल्क आयोजित किया गया है, तो मैं डॉक्टर चौधरी जी को इसका श्रेय देना चाहता हूँ कि इन्होंने सबको बुलाया और इतना इन्होंने मेहनत की और इतना अच्छा शिविर उन्होंने आयोजित किया यहाँ पर। और यहाँ पर मरीजों को मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। कई ऐसे मरीज थे जिनको नहीं पता था कि हमारे यहाँ जबलपुर में भी निःशुल्क सुविधाएँ होती हैं। मैंने उनको मेडिकल कॉलेज में बुलाया है कि हम उनका निःशुल्क उपचार कर सकें। और कई ऐसे पुराने मरीज मुझे मिले जो उपचार मेरे से ले चुके हैं और ठीक हो चुके हैं, लेकिन किसी कारणवश वो वहाँ पर नहीं आ पा रहे, लेकिन वो यहाँ पर दिखाने के लिए हम लोगों के पास आए। उनको देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे लगता है इस प्रकार का कैंप आयोजित होना चाहिए, जिससे कि उन मरीजों को लाभ हो जो जबलपुर या बड़े शहरों में नहीं पहुँच पाते और जिस चीज़ के बेशक आज कटनी में नहीं है, हम लोग यहाँ पर आकर उन मरीजों की सेवा कर सके और मरीजों को अधिक से अधिक लाभ दे सके। अगर देखा जाए सर, कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, समाज में भ्रांतियां हैं, इसको लेकर के आप क्या अपील करना चाहते हैं? बिल्कुल, समाज में ये भ्रांति बहुत है, पुराने समय से भ्रांति बनी हुई है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, आज मैंने जो मरीज देखे उसमें 90% ऐसे मरीज थे जो आज ठीक हो चुके हैं। कुछ 10 साल पुराने थे, कुछ 15 साल तक पुराने मरीज आज हमारे पास यहाँ फॉलो अप में आए, उनके परिवार वाले आए, बड़े खुश थे कि आपने उन मरीजों को ठीक किया। मैं बताना चाहूँगा, आज दवाइयों और टेक्निक का अत्याधुनिकरण हो चुका है। आज नए नए प्रकार की दवाइयाँ हैं, टारगेट थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी भी आज हमारे पास उपलब्ध है। उनके आधार पर हम मरीजों को पूर्णतः ठीक कर सकते हैं, बशर्ते वो सही समय पर आ जाएं, अर्ली स्टेज में अगर वो हमारे पास आते हैं और पूरा ट्रीटमेंट लेते हैं। क्योंकि एक बात है कि ट्रीटमेंट इसका लंबा चलता है, कई लोग आधे ट्रीटमेंट से ही चले जाते हैं और कई लोग भ्रांतियों में फंस जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा, कैंसर पूर्णतः ठीक होने वाली बीमारी है, डरे नहीं, बशर्ते वो प्रॉपर आए और पूर्णतः ट्रीटमेंट लेंगे तो विश्वास रखिए आप इस बीमारी से निजात पा लेंगे। थैंक यू सर, नमस्कार।